ओके, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो के अंदर हम जो है ये तीन सेक्शंस और ऑलमोस्ट हेडर को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको ये फॉर्म लेना आपको बता दिया था कि ये फॉर्म को कैसे लेना है, तो ये ऑलमोस्ट आपने कवर कर लिया होगा। अब इसमें जो है ये हमारे सेक्शंस बच रहे हैं, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और आज ऑलमोस्ट जो है हम हेडर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ स्क्रॉल वाला भी मैंने बता ही दिया था, प्रीवियस के कुछ वीडियो पहले मैंने स्क्रॉल भी बता ही दिया था, तो ये ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब हेडर को ऑलमोस्ट ये हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली स्क्रीन पर हवर करते ही पूरा स्क्रीन ब्लैक हो रहा है ना, और ये आ रहा है। तो ऐसे फीचर्स हमेशा हमें मिलते हैं मॉडल्स के अंदर मिलते हैं ना, तो ये मॉडल्स आप ले सकते हो या फिर आप कस्टम खुद का भी अपना ओवरले बना सकते हो। कस्टम बनाने में हमें प्रॉब्लम है बेसिकली, तो हम ज्यादा से ज्यादा हम बूटस्ट्रैप का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। सो ये मॉडल है, ये मॉडल है, और इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो पहले तो इसका बना लेते हैं। तो डी वाले ब्लॉक में तो क्या आएगा हमारा, ये डी वाले ब्लॉक में हमारा आएगा ड्रॉप डाउन आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डी वाले ब्लॉक में ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। सो ये कोड में हम गए और यहाँ पर आप देखिएगा ये डी वाला ब्लॉक है। सो ये डी वाला ब्लॉक पर गए और हमें यहाँ पर जो है एक ड्रॉप डाउन लेना है। तो ये ड्रॉप डाउन कैसे आ सकता है, ये ड्रॉप डाउन जो है पहले तो आप देख लेना कि आपको वो बूटस्ट्रैप लेना है, तो गेट बूटस्ट्रैप .com पे गए और ऑलरेडी देखिए यहाँ पर जो है ना क्लिक करते ऑलरेडी हमने है ना एक मॉडल यूज किया हुआ है। अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे भी एक मॉडल यूज कर लूँ, यहाँ पे भी एक मॉडल यूज कर लूँ, तो मॉडल का कोड हो सकता है बार बार रिपीट हो बेसिकली, तो हम उसको भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर अगर हमें मॉडल यूज करना है, सो यहाँ पर आप जाओ और यहाँ पर लिखो आप मॉडल, और ये मैं मॉडल पे गया और यहाँ पर जो छोटा वाला मॉडल है लाइव डेमो आप देख लेना, ये वाला मॉडल हम ले लेते हैं और बहुत छोटा सा मॉडल यूज किया हुआ है इन्होंने, है ना। ये हवर करते ये देखो छोटा सा मॉडल है, तो सबसे छोटा मॉडल यूज करने के लिए आपके पास नीचे आप जाना और मॉडल साइज दी होंगी डिफरेंट डिफरेंट, वो आप यूज कर सकते हो। सो ये मॉडल की साइज आ रही है, अगर आपको छोटा मॉडल चाहिए तो आपको सिर्फ एक क्लास ऐड करनी है मॉडल डैश एसएम। तो सबसे पहले तो एक बेसिक मॉडल ले लेते हैं। तो बेसिक मॉडल मैंने यहाँ पर लिया, ये बेसिक मॉडल ये रहा, उसका कोड ये रहा, विथ बटन अगर लेना है तो ये रहा, ठीक है ना। ये मैंने ये लॉन्च किया, तो ये मॉडल आप ले लो। इसमें ध्यान रखना है ये सीएसएस की कमेंट ना ले, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये पूरा कोड लिया मैंने और ये हमारे इस कोड में गए, और इस पूरे कोड को आप हेडर बिल्कुल हेड 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 के ऊपर आपको पेस्ट करना है, ठीक है ना। सो हेड के ऊपर गया मैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने ऑलरेडी एक मॉडल ले चुके हैं और दूसरा आप मॉडल वापस से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और दोनों की आईडी सेम है। यहाँ पर आप देखिएगा कि इसकी भी आईडी वही आई है ऑलमोस्ट। सो आईडी हमेशा आपको यूनिक रखनी है। सो यहाँ पर मैं गया, सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये मैंने फॉर्मेट किया और यहाँ मॉडल ये आ रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया, ठीक है ना। और इसको मैं बोल देता हूँ मॉडल एग्जाम्पल मॉडल 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इससे पहले भी जो है हमने एक मॉडल यूज किया था और कहीं ना कहीं उसको भी कुछ ना कुछ आइडिया दी हुई होंगी, तो आइडिया हमेशा क्या होती है क्लैश करती है आपस में। सो बेटर है कि जब भी आप एक से ज्यादा मॉडल ले हुए, तो जब दूसरी बार आप मॉडल ले हुए ना, तो उसकी आइडिया आप क्या कर देना, उसको यूनिक दे देना, उसको अलग दे देना। तो मैंने सेकंड वाले को क्या दिया, एग्जाम्पल मॉडल और 2 दे दिया, जिससे कि मेरे मॉडल की आईडी यूनिक हो गई, अलग हो गई। अगर दो एलिमेंट और दोनों एलिमेंट की सेम आईडी होगी तो मॉडल आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो हम कर रहे हैं कि मॉडल की आईडी मैंने यूनिक दे दी, अलग दे दी। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जितनी भी क्लासेस हैं उनको मैं सिलेक्ट करूंगा और उनको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, क्लास नेम में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये हमने करना है। और यहाँ पर इसको ट्रिगर करने के लिए जो बटन होगा,
वो बटन आपका, ये बटन है। अच्छा यहाँ पर जो है मॉडल आ रहा है, जो अमेजोन के अंदर मॉडल आ रहा है, वो एक्चुअल में क्लिक नहीं कर रहे हैं, वो हो रहा है हवर करते ही मेरा मॉडल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो हमें यहाँ पर जो है वो हमें टास्क करना पड़ेगा। तो ये देखिए, हवर करते ही मेरा मॉडल आ रहा है। तो अभी तो हम ये करते हैं कि हवर वाला तो नहीं, बट क्लिक करने वाला टास्क हम जरूर करेंगे। तो सेकेंड वाला जो ये पूरा जो कोड है, आपका जो लिखा हुआ कोड है, मतलब इस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए ये बटन का कोड होना जरूरी है। तो इस बटन के कोड में क्या क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये दो एट्रीब्यूट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों एट्रीब्यूट को आप कॉपी करें, और आपका जो डी वाला ब्लॉक है, तो डी वाला ब्लॉक कौन सा? ये वाला ब्लॉक। तो हमारे इसमें हम किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं? तो हमारे इसमें हम यहाँ पर ये जो डी वाला ब्लॉक था, उसके अंदर हमने एक बटन ले रखा था, उस बटन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं डी वाले ब्लॉक पर गया, ये देखिए ये वो डी वाला बटन है। मैं वापस से यहाँ पर डी लिख रहा हूँ, और इस बटन पर जो है वो दो एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर अभी के लिए क्या कर दूँ? पेस्ट कर दूँ, ताकि हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ पता चले कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप रिफ्रेश कर लें और देखिएगा, डी वाले पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका रीजन अगर आप बताना चाहें तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ सर, हैश मॉडल एग्जाम्पल मॉडल, और यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? टू देना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। आपने आईडी चेंज करी तो टारगेट में भी, डेटा डैश बीएस टारगेट में भी आईडी आपको क्या रखनी पड़ेगी? एग्जाम्पल मॉडल टू देनी पड़ेगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सेम पेज के अंदर एक से ज्यादा मॉडल हैं, तो जितने भी मॉडल होंगे उन सबकी आईडी अलग अलग होनी चाहिए, और उनके टारगेट करने की भी आईडी अलग अलग होनी चाहिए। तो हैश एग्जाम्पल मॉडल टू जो है, वो हैश एग्जाम्पल मॉडल टू वाले मॉडल को टारगेट करेगा। उनकी आईडी हमेशा सेम होनी चाहिए। ये जैसे ही मैंने आईडी दी, और यहाँ पर आप जाओगे रिफ्रेश करोगे, ये देखिए ये मॉडल आया। अब सबसे पहली बात है कि सर ये जो है ना, ये टॉप से बॉटम की ओर जो फेड होते हुए आ रहा है, ये फेड हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको फेड नाम की क्लास हटानी है। ये फेड नाम की जो क्लास है, इसको अगर आप हटा देंगे तो आपका फेड वाला एनिमेशन तो कम से कम बंद हो जाएगा। ये देखिएगा, अब मेरा फेड वाला एनिमेशन बंद हो गया है। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें जो है इसको छोटा वाला मॉडल लेना है। तो छोटा वाला मॉडल लेने के लिए यहाँ पर आपके पास आप जाइएगा, और यहाँ पर आप लिखिएगा मॉडल डैश एसएम लिखेंगे, तो नीचे नीचे आपको साइज मिल जाएगी मॉडल की, आपको साइज किस टाइप की चाहिए। सबसे छोटा मॉडल होता है मॉडल डैश एसएम। तो मॉडल डैश एसएम नाम की क्लास आपको कहाँ देनी है? वहां देनी है जहां पर मॉडल डायलॉग लिखा हुआ है आपके मॉडल के अंदर। मैं यहाँ पर गया और मुझे यहाँ पर दिख गया कि ये मॉडल डायलॉग लिखा हुआ है। इसी के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है? मॉडल एसएम नाम की जो क्लास है वो आपको दे देनी है, जिससे कि आपका जो मॉडल अभी जो आ रहा है, जिस साइज का आ रहा है, उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर चलिए, मैं यहाँ पर इसको हम छोटा करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर छोटा मॉडल आ गया। अब अगेन इस मॉडल को अब मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करना है। तो मैं इसको पुश करने के लिए आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके पता करना पड़ेगा कि भाई इसमें पोजीशन किस टाइप की दे रखी है। यहाँ पर आप जाएंगे, इस मॉडल को आप सिलेक्ट करेंगे, और इस मॉडल मॉडल के अंदर जाना, इस वाले मॉडल के अंदर, और यहाँ से आप देखिए कि इस वाले के केस में इन्होंने क्या दे रखा है? पोजीशन फिक्स दे रखा है। तो अब ये जो टॉप वैल्यू है, यही आपको जो है सिर्फ खिसकानी है। तो यहाँ पर टॉप में लगभग मुझे इतना खिसकाना पड़ेगा, इतना है ना, इतना खिसकाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं टेस्ट में जाके इंस्ट्रक्शन में नोट डाउन कर देता हूँ, अगेन जैसे कि मैंने कल नोट डाउन किया था। तो यहाँ पर टॉप से तो मुझे कितना खिसकाना पड़ेगा? टॉप से मुझे खिसकाना पड़ेगा, वैल्यूज जो है मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, 21 पिक्सल मुझे खिसकाना पड़ेगा, 21 पिक्सल। और लेफ्ट से कितना खिसकाना है? लेफ्ट से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, वो डी के बिल्कुल सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, ये डी के मैंने बिल्कुल सेंटर में ले लिया, ये देखिए मेरा डी, और इसके बिल्कुल सेंटर में ले लिया। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ कि भाई लेफ्ट से जो है मुझे 288 पिक्सल पुश करना है। और यहाँ पर रियल अमेजोन में जाके देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा है। नहीं, लेफ्ट से नहीं हो रहा है, ये यहाँ से चालू हो रहा है। मुझे और जाना पड़ेगा, और एक्यूरेट क्या लेना है? तो सबसे पहले तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो विंडो और प्रिंट प्रिंट स्क्रीनशॉट लिया,
फोटोशॉप में गए, यहाँ पर जाके फाइल में जाना है, न्यू पे पेस्ट किया, ओके किया और पेस्ट करें। और इसका जो है आप सबसे पहले तो विड्थ और हाइट पता कर लेवे कि इस मॉडल का जो है मेरा विड्थ कितना आ रहा है, हाइट कितना आ रहा है। सो इस मॉडल का जो है एग्जैक्ट विड्थ और हाइट अगर आपको लेना है तो आई थिंक आप विंडो में जाइए, F8 प्रेस कीजिए और 240 बाय 301 ये आ रहा है। सो यहाँ पर मैं इसका नोट डाउन कर लेता हूँ, 240 बाय 301 या 300 में ले लेता हूँ, है ना। सो ये मेरे मॉडल की साइज होनी चाहिए। सो यहाँ से जाके अब आपका जो मॉडल आ रहा है उसमें आपने विड्थ कितना लेना है, हाइट कितना लेना है, वो पता चलेगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इसको आप इसकी हाइट अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी इसकी हाइट हम विड्थ में अगर मैं कंट्रोल कर भी रहा हूं तो ये एक्चुअल में कुछ पोजीशंस के हिसाब से चल रहा है। ये देखिए, ये रीजन ये है कि इसको इतना छोटा बड़ा जो है वो ये रीजन आ रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक अगर आप करना भी चाहें तो विड्थ 20% करके फिर आपको लेफ्ट में वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इधर विड्थ जो है आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा और इधर से आपको जो है लेफ्ट में वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अचीव कर रहे हो। ऑलमोस्ट डी के कॉर्नर तक लेते जाता हूं। तो ये देखिए कि डी का ये बॉक्स बनेगा इधर और ये यहां से आ रहा है। सो ऑलमोस्ट नोट डाउन कर लेते हैं कि लेफ्ट से तो 950 किसका ना है। सो यहां से लेफ्ट से इसको मैं बोल देता हूँ 950 पिक्सल किसका ना है, और इसका जो विड्थ देना है वो लगभग आपको 20% देना है। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 20% विड्थ आपको देना है, तब जाके आपका प्लेसमेंट प्रॉपर हो पाएगा। तो ये हम कर लेते हैं, है ना। और यहाँ से मैं इसी टूल से मैं इसके डायमेंशन नोट डाउन कर लेता हूँ कि विड्थ कितनी आ रही है, लगभग 258 आ रही है और हमें चाहिए था 240 चाहिए था, तो लगभग इक्वली है। तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं। तो अब आप अपने कोड में जाइए और आपको मॉडल SM जो लिख रखा है और इसी मॉडल को आपको टारगेट करना है क्या, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी आप मॉडल पे ही देख रहे थे, ये देखिए ये मॉडल पर। सो आप इस मॉडल को एक और क्लास दे देवे, जैसे कि यहाँ क्लास तो मॉडल तो दे ही रखी है, आप अपनी खुद की क्लास दे दो। मैंने अनिल अंडरस्कोर और ये फॉर्म क्या है हमारा, ये हमारा है कंट्री ड्रॉ हेडर टॉप। सो मैंने HT और इसको मैंने बोल देता हूँ कंट्री ड्रॉप डाउन, है ना। सो हेडर टॉप कंट्री ड्रॉप डाउन करके मैंने ये इसको क्लास दे दी और इसको जाके मैं CSS में टारगेट कर सकता हूँ। इसको मैंने जाके CSS में टारगेट किया और जो वैल्यूज मैंने वहां पर नोट डाउन करी थी वो हम लेंगे। सो सबसे पहले तो विड 20% लेना है, ये मैंने विड 20% लिया। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगाना मत भूलना, क्योंकि वो दिक्कत देगा, वो कभी नहीं होगा तो आपको इम्पोर्टेंट लगाना। उसके बाद आप जो हैं आपको लेफ्ट से जो है वो आपको 950 पिक्सल करना है। सो यहाँ से मैं लेफ्ट से 950 पिक्सल इसको मूव कर देता हूँ। 950 पिक्सल आपने मूव किया और अगेन मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ और टॉप से जो है मुझे टॉप से कितना पिक्सल मूव करना है तो वो वैल्यू हम देखते हैं। सो मैं वापस से गया, ठीक है, वापस से गया, मैंने रिफ्रेश किया एक बार और इस पर क्लिक किया, ये मेरा मॉडल आ रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और टॉप से मुझे कितना खिसकाना था वो मुझे जो है आई थिंक 20 पिक्सल था, है ना, ये 20 पिक्सल है। सो मुझे टॉप से जो है मुझे 20 पिक्सल खिसकाना है। और देख लेते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट देने की जरूरत है कि नहीं है। तो आप इन कोड को साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने साइड बाय साइड ले लिया इनको, है ना, ताकि रियल टाइम में हम देखते हुए आउटपुट भी कर सके। हमारे पास कोई दो दो स्क्रीन तो है नहीं कि एक स्क्रीन में हमारा एडिटर आउटपुट दिख रहा है ना, दूसरे स्क्रीन में कोड चल रहे हैं। ऐसे 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 ड्यूअल मॉनिटर की भी सेटिंग्स होती हैं।
जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं तब वो दो दो स्क्रीन पे काम करते हैं, एक पे आउटपुट दिखता है तो दूसरे पे पूरा टेक्स्ट स्क्रीन होता है। बट अभी हमारे पास सेम स्क्रीन है इसलिए हम जो है ऐसे स्टैक कर लेंगे, है ना, तो हमारा एडिटर और स्क्रीन दोनों पीछे ये दिखते रहे। सो इसमें लेफ्ट में इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये आया है ना, सो आई थिंक इस इंपॉर्टेंट को भी देने की जरूरत नहीं है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और देखते हैं ये आया कि नहीं आया। सो ऑलमोस्ट आ गया है। अब इसके अंदर इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये आ रहे हैं हमारे रेडियो बटन्स आ रहे हैं ना। सो ये हमारे रेडियो बटन्स आ रहे हैं, तो ये रेडियो बटन्स आप ले सकते हो। सो यहाँ पर आप जाओ और यहाँ पर आप लिखो रेडियो, ठीक है। सो रेडियो बटन्स आपके पास किस टाइप के आते हैं? रेडियो बटन्स ये इस टाइप के आते हैं, तो ये आप जो है ये रेडियो बटन्स आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है जब भी रेडियो बटन्स बगैर फॉर्म के नहीं ले सकते हैं तो आप यहाँ पर बॉडी के अंदर गए और यहाँ पर आपको जो है एक फॉर्म आप चाहें तो ले भी सकते हैं और फॉर्म नहीं भी ले सकते हैं। तो जो रेडियो बटन जो है, जब भी आप फॉर्म से रिलेटेड फील्ड्स लेते हैं, जैसे इनपुट रेडियो ले लिया, इनपुट टेक्स्ट ले लिया, ये सारे किसके चिल्ड्रंस हैं? फॉर्म के चिल्ड्रंस हैं, तो फॉर्म के बगैर इनको लेना नहीं है। मगर कई बार इंटरव्यू में होता है, बोलते हैं कि आपको क्या बगैर बगैर फॉर्म के आप इनपुट से डाटा सर्वर पर भेज सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम तो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि हम फॉर्म लेंगे। तो मैंने एक फॉर्म लिया और इस फॉर्म के अंदर जो है मेरे ये बूटस्ट्रैप का कोड जो है ये मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं यहीं से। और यहाँ से मैं गया और कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये जितने भी कंट्रोल डी किए हैं और इनको मैं करूँगा क्लास नेम। और यहाँ पर आप देखिएगा कि कोई एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है? फॉर्म लिया हमने, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इनपुट जो है उसका सेल्फ क्लोज नहीं है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, जो भी टैग ले हुए हैं रिएक्ट के अंदर, आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग होने चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा, ठीक है ना। सो यहां से मैंने सारे एरर हटाए, यहाँ पर मैं गया, रिफ्रेश किया मैंने और क्लिक किया और ये मेरे आ गए हैं बेसिकली। सो यहाँ पर हम भी ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो मेरे टाइटल में एक इनपुट है और इस टाइटल के बाद और इनपुट हैं। सो डेफिनेटली जो है ये एक फॉर्म ग्रुप आप उठा लो, ये फॉर्म ग्रुप उठा लो और ये जो मॉडल टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो, ठीक है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये तो चेक्ड है ही सही, बस इसके अलावा इन एलिमेंट्स को भी हमें लेना पड़ेगा। सो जो जो भी एलिमेंट्स है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सो प्रॉपर इंडेंटेशन इनका होना चाहिए। सो ये प्रॉपर इंडेंटेशन इनका यहाँ पर, ठीक है ना, तीन चार आ गए हैं और लास्ट में क्या आ रहा है, यू आर शॉपिंग, ठीक है, ये फुटर के बाद आ रहा है। सो यू आर शॉपिंग जो भी है वो फुटर के बाद आ रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने इसको जो है वो पेस्ट किया है और इसको आप अपना एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। यू आर शॉपिंग इन अमेजोन और यू आर शॉपिंग इन अमेजोन, चेंज कंट्री कोड और ये लास्ट क्लास में एक एंकर इन्होंने ले रखा है। सो इस बटन को मैंने क्या बना दिया, एंकर बना दिया। और जब भी एंकर लेते हैं तब href equals to hash देते हैं और एंकर में कभी भी टाइप बटन नहीं आता है और बटन की जगह इसको btn dash लिंक दे दिया है ना। सो यहाँ पर बटन पे जाओ आप, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप सर्च करेंगे बटन और बटन में एक्चुअल में मुझे किस टाइप का बटन चाहिए, इस टाइप का बटन चाहिए। ये आप देखिएगा यहाँ पर
ये देखिए इस टाइप का बटन आ रहा है। सो बूटस्ट्रैप में इस टाइप के बटन को लाने के लिए आपको सिर्फ एक ही क्लास देनी है, btn लिंक नाम की क्लास देनी है। सो ऑलरेडी मैं btn डैश लिंक नाम की दे दिया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा था वो हम लिख देते हैं, चेंज कंट्री स्लैश रीजन। सो यहाँ पर मैंने लिखा चेंज कंट्री कंट्री स्लैश रीजन। सो ये मैंने लिखा, सेव किया और आउटपुट में गए और ये आ रहा है। ठीक है, इनका प्लेसमेंट हम देखेंगे अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है, ठीक है ना, सो ये आ रहे हैं और ये हमारी लाइंस आ रही हैं, कोई कोई इशू नहीं है। अब जो है कंट्री का जो आइकन्स हैं वो आप यूज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखा आपने रिएक्ट कंट्री फ्लैग्स आइकॉन्स, ऐसा आपने कुछ लिखा और कहीं ना कहीं आपको जो है लाइब्रेरीज मिल जाएंगी वर्ल्ड फ्लैग्स, है ना। सो वर्ल्ड फ्लैग्स पर गए आप और कुछ ना कुछ आप गूगल पे लिख के आप ढूंढ के ला सकते हैं। सो दोनों ही पैकेजेस npm के हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, तो हमें कौन सा, जब भी हम कोई नया पैकेज यूज करते हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो दोनों में से आपको वो यूज करना है जो कि जिसका बिल्ड पास हो, जिसकी पॉपुलैरिटी देख लो कि वीकली कितना डाउनलोड हो रहा है, अभी तक कितने वर्जन आ गए हैं, लास्ट अपडेट की कब दिया था। तो जैसे ये आ रहा है पब्लिश्ड अ ईयर अगो और ये आ रहा है पब्लिश्ड 10th month अगो, है ना। तो इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा हो रहा है वो आप देख लो, तो वो डिपेंड करता है ना। सो मुझे लगता है कि ये ज्यादा वीकली डाउनलोड हो रहा है तो ये हमें लेना चाहिए। सो ये आप यूज करें। सो यहाँ पर मैंने लिखा npm install react world flag, है ना। सो ये आप गए, ये आपने लिखा और आपका इसमें गए और ये मैंने इंस्टॉल किया। और अब जब भी आप npm इंस्टॉल करते हैं तो जो है package.json में उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाती है ना। सो ये रिएक्ट वर्ल्ड फ्लैग नाम का पैकेज मैंने इंस्टॉल किया है तो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल करना है लास्ट में डैश डैश सेव लिखा है तो डिपेंडेंसी यहाँ ऐड होगी। तो ये चीज हम अभी चेक करेंगे क्योंकि अभी कोड के हिसाब से मैंने डैश डैश सेव नहीं लिखा है, तो हम देखेंगे क्या इस डिपेंडेंसी वाले एरिया के अंदर ये वाला जो प्लगइन है इसकी एंट्री आई कि नहीं आई। सो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हुआ और ये मेरा पैकेज इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर देखिए रिएक्ट वर्ल्ड फ्लैग्स नाम से एक एंट्री आ गई है। और इन केस कभी आपके पास पैकेज डॉट जेसन में यहाँ एंट्री नहीं बने तो आपको करना ये है कि जो भी कमांड आपने एग्जीक्यूट करी है उसमें लास्ट में डैश डैश आप क्या लिख दें, सेव लिख दें। इससे डैम श्योर होगा कि वो इंस्टॉल करने के साथ साथ डिपेंडेंसी के अंदर उसकी एंट्री कर देगा। ये एंट्री करना बहुत जरूरी है ताकि रिएक्ट को पता चले कि आपकी एप्लीकेशन किन किन लाइब्रेरीज पे डिपेंड करती है ना। सो यहां पर अब इसको यूज करने का तरीका देखते हैं। मुझे इंडिया का फ्लैग चाहिए, ठीक है ना। सो उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मैंने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट कहाँ करना है, एप जेएस के अंदर मैं गया और यहाँ पर मैंने जो है इंपोर्ट किया, ठीक है ना। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट ऊपर ही ऊपर आप चले जाना, ठीक है। ये मैं ऊपर ऊपर गया और मुझे फ्लैग लेना है और फ्लैग कौन सा लेना है मुझे, इंडिया का फ्लैग लेना है मुझे। सो कहाँ लेना है आपको इंडिया का फ्लैग, यू आर शॉपिंग, है ना। सो यहाँ पर मुझे इंडिया का फ्लैग चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है देख लेते हैं, ये इंडिया का फ्लैग आ रहा है और यहाँ पर मैं पेस्ट किया, सेल्फ क्लोज किया, एक स्पेस दो, यहाँ पर स्पेस दो, है ना। इस लाइब्रेरी के कोड को देखते हुए आपको अपना वर्क करना है। सो
डेफिनेटली कौन सा वाला मैंने इंस्टॉल किया, ये वाला इंस्टॉल किया तो इस लाइब्रेरी को मैं बंद कर देता हूँ, और कोड लिखना है। तो ये कोड क्या है, एक्चुअल में कंट्री कोड है। तो कंट्री कोड को आप टू लेटर्स में दे सकते हो, टू लेटर्स, थ्री लेटर्स और थ्री डिजिट के उसमें दे सकते हो। सो टू लेटर्स में इंडिया को कंट्री कोड है IN, और थ्री लेटर्स में है कंट्री कोड IND। IND स्टैंड फॉर इंडिया, IN स्टैंड फॉर इंडिया। तो बेसिकली अगर इंडिया का टू डिजिट का कंट्री कोड की बात करें तो वो IN है, और थ्री डिजिट की बात करें तो IND है। सो वो आपको लिखना है इसके अंदर। सो यहाँ पर हम गए और देखते हैं क्या है। सो यहाँ पर मैंने इसमें गया, कोड लिखना है आपको यहाँ पर, है ना। सो ये कोड मैंने कॉपी किया, कोड नाम का एट्रीब्यूट लिखना है, और यहाँ पर मैंने लिखा शायद IN लिखूं, क्योंकि यहाँ पर शायद ये इस तरीके से स्मॉल लेटर में लिखना है ना। और नॉर मीन्स नॉर्वे होगा शायद। सो IN लिखा मैंने, और देखते हैं क्या हो रहा है। IN से प्रॉब्लम है, सो मैंने स्ट्रिंग में दिया। ओहो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो इंडियन फ्लैग यहाँ पर आ गया है, मगर ये फ्लैग बहुत बड़ा आ रहा है, इस फ्लैग को हमें छोटा सा लेना पड़ेगा 10 पिक्सल का। तो वो फ्लैग हम जो है इसकी हाइट दे सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, आप सिर्फ हाइट नाम की एट्रीब्यूट दे देवे। सो यहाँ पर मैं गया और हाइट नाम का एट्रीब्यूट मैंने दे दिया 16, 20, 25। तो ये 16 क्या है, ये एक्चुअल में 16 जो है उसकी 16 पिक्सल की हाइट को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पर आपने 16 लिखा और यहाँ पर सेव किया, और यहाँ पर आप गए रिफ्रेश किया, यहाँ पर गए तो देखिए 16 पिक्सल का हमारा जो है ये बन गया है। अब ये कि यही आइकन मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन में भी चाहिए था, तो ये फ्लैग वाला जो ये टैग है ये मैंने कॉपी किया, और मेरा जो ड्रॉप डाउन है, डी का जो ड्रॉप डाउन है, जो कि हमारे उसमें डी वाले ब्लॉक में आ रहा था, सो डी वाले ब्लॉक में यहाँ पर डी जहाँ लिखा हुआ है वहां पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, वो प्रॉपर इंडेंट कर देता हूँ। सो रिफ्रेश किया, ठीक है, ये आ गया है। और ड्रॉप डाउन का मुझे एक बेसिकली एक आइकन चाहिए, सो वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉन्ट ऑसम यूज कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम आपने यूज किया, और यहाँ पर जो है फॉन्ट ऑसम में शायद कोड होता है कि क्या होता है, अगर हम स्किप कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉन्ट ऑसम यूज किए हुए हैं। कॉपी करें, फाइंड करें और एक बार देखें कि हाँ आइकन नाम की जो है एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। सो आइकन नाम का एट्रीब्यूट आपको लेना है। यहाँ पर मैं गया और इसको आप कॉपी कर लें आइकन एट्रीब्यूट को, और आप अपना जो डी वाला ब्लॉक जो आपने लिख रखा है वहां पर आप जाके ये आपने लिख रखा है और पेस्ट किया, और यहां पर इसको कहते हैं फा शेवरॉन, फा शेव शेवरॉन शेवरॉन, और इसको बोलेंगे डाउन, फा शेवरॉन डाउन। जब वो डाउन एरो होता है, जैसे वो नीचे की ओर पॉइंट करता है, जैसे ये एरो है ये राइट साइड की ओर पॉइंट कर रहा है, तो आपको बॉटम की ओर, जैसे ये वाला हमें ये वाला चाहिए ना, ये वाला शेवरॉन चाहिए, सो इसको बोलते हैं शेवरॉन डाउन, फा शेवरॉन डाउन। सो ये फा शेवरॉन डाउन हमने लिया, और यहां पर हम गए, नहीं यहां पर नहीं, जो डी वाला ब्लॉक है, तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लिख दिया, फा शेवरॉन डाउन लिख दिया, और आप देखिएगा ये आ गया है, और इसका कलर थोड़ा सा वो आ रहा है, तो आप इसको जो है क्लास नेम यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर इसको टेक्स्ट डैश वाइट आपने लिखा, और देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका कलर चेंज, ये हो गया है। और इसको थोड़ा सा ऐसा करना है कि ये इधर की ओर आ जाए, सो इनको आप ऐसा कर सकते हो, इसको डिस्प्ले डैश इनलाइन ब्लॉक दे सकते हो, तो देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको भी जो है यहाँ पर मैं क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम इसको मैंने दे दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा, ताकि ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, दोनों को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फिर भी नहीं हो रहा है ना। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये इनके बीच में स्पेस है भी कि नहीं, ये जो गैप आ रहा है ये गैप
कॉम्पिटेड में गए और ये 12 पिक्सल का ये गैप आ रहा है ना, ये गैप दिक्कत दे रहा है। सो सबसे पहला काम तो है ये गैप खत्म कर दो पैडिंग वाला। ये देखो जैसे ही मैंने गैप खत्म किया 12 पिक्सल का पैडिंग, तो ये यहाँ पर आ गया। तो करना कुछ नहीं है, जो आपका बटन है ये रहा मेरा बटन, इसमें बाय डिफॉल्ट मेरे पास पैडिंग आता है। सो यहाँ पर आप उसकी पैडिंग खत्म कर दो, P0 देखे, P0 मतलब पैडिंग जीरो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये जितने भी चारों तरफ का जो पैडिंग है वो आपको जीरो सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये जीरो सेट कर दिया, तो ये आप देखिए ये हमारा आ गया है। और मुझे थोड़ा सा जो है इनको पुश करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसको मार्जिन एंड 1 दे दिया। सो फ्लैग से, इंडियन फ्लैग से शेवरॉन को थोड़ा सा मैंने खिसका दिया, एक एक REM का मैंने उसको पुश दे दिया। सो यहाँ पर देखिएगा अब सिर्फ इतना ही डिफरेंस आ रहा है कि क्लिक करने पर आ रहा है, ठीक है ना, क्लिक करने पर आ रहा है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे केस में, सिर्फ हवर करने पर आ रहा है। सो हम यहाँ पर दे सकते हैं, उस मॉडल को हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये आप देखिए, ठीक है, ये आ रहा है। और बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही मैं हवर कर रहा हूं ना तब आ रहा है, और हमारे केस में क्या हो रहा है कि जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं हवर कर रहा हूं तो नहीं आ रहा है, आप क्लिक करेंगे तो मॉडल आएगा। तो हमें मॉडल के अपीयरेंस को प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल करना है। अभी तो क्या हो रहा है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट बिहेवियर में क्या होता है कि मॉडल एग्जीक्यूट कब होता है, जब आप उसके टारगेट को कॉल कर देते हैं। तो टारगेट क्या है आपका, कोई भी बटन हो सकता है, जैसे कि कोई सा भी मैं मॉडल यूज करूं, जैसे ये मॉडल के कोड पे जाता हूं, मैं मॉडल पे गया है और ये मेरा मॉडल का कोड है, ये देखिए ये मेरा मॉडल है और उसको ट्रिगर करने के लिए मेरे पास एक बटन है। तो यहाँ पर आप मॉडल को कैसे ट्रिगर कर रहे हो, मैनुअल ट्रिगर कर रहे हो। मैनुअल मतलब आप बटन पे जाके क्लिक करोगे तब जाके ये टारगेट होगा, ठीक है ना, तब जाके ये टारगेट होगा। बट अभी का केस में क्या करना है, हमें मैनुअल ट्रिगर नहीं करना है, हमें तो ये है कि माउस ओवर पर, कि जैसे ही मैं उस बटन पर माउस ओवर करूं और ये मॉडल खुल जाए, तो ऐसा मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पर आपको जो है इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे लाना है या प्रोग्रामेटिकली कैसे कंट्रोल करना है, तो वो आप दे सकते हो, है ना। सो ये एड इवेंट लिसनर हो गया, और उसको शो और हाइड कर सकते हो। सो डायनेमिक हाइट्स, एम्बेडिंग, फुल स्क्रीन मॉडल, और यहाँ पर आप जाके ये जावास्क्रिप्ट का यूजेस, यूजिंग जावास्क्रिप्ट, है ना। तो ये जावास्क्रिप्ट आप देख सकते हो, क्रिएट अ मॉडल विद सिंगल लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये तो मॉडल क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये माई मॉडल डॉट शो, सो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से उसको हम शो और हाइड करना पड़ेगा, ये जावास्क्रिप्ट की मेथड्स को कॉल करवा के, ठीक है ना, कि शो करना है और हाइड करना है। सो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो इस बटन की जो है, ये बटन की जो पहले से क्लिक वाली जो एट्रीब्यूट्स है, इनको सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं हटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट करके इनको छोड़ देते हैं। मल्टी लाइन कमेंट भी इस तरीके से ये वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटा ही देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो वो जो ट्रिगर करने वाली जो दो एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, सो ट्रिगर करने वाले जो दो एट्रीब्यूट है आपने हटाया उसको, ये ट्रिगर करने वाले जो दो एट्रीब्यूट हैं, क्योंकि ये अगर दोनों एट्रीब्यूट रहेंगे, कौन से, डेटा बीएस टॉगल और डेटा बीएस टारगेट, जब तक ये उस बटन पर हैं आपका मॉडल क्लिक करने पर आएगा। अब हमें क्या है कि उसके क्लिक करने पर तो चाहिए नहीं, हमें क्या है उस बटन के जैसे ही हवर करेंगे तब चाहिए। तो सबसे पहला काम है आपका कि जो बाय डिफॉल्ट क्लिक वाला जो बिहेवियर चल रहा है, वो किसकी वजह से चल रहा है, इन दो एट्रीब्यूट की वजह से चल रहा है। अगर ये दो एट्रीब्यूट यहाँ से हटा दूं, तो अब मेरे बटन का उस मॉडल के क्लिक से कोई लेना देना नहीं है, कि आप क्लिक करेंगे भी सही तो भी जो है वो मॉडल आएगा नहीं। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ मगर मॉडल नहीं आ रहा है, यही हमें चाहिए था।
तो अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हवर करूं इसके ऊपर, माउस ओवर करूं तो मेरा मॉडल अपियर हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर एक आप रिएक्ट की क्लास बाइंड कर लो, ऑन माउस ऑन माउस ओवर। तो दो तरीके की इवेंट होती है, ऑन माउस एंटर और ऑन माउस ओवर, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि ऑन माउस ओवर ये ज्यादा सही है। ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू, और यहां पर लिखा मैंने दिस डॉट हैंडल कंट्री डीडी, कंट्री ड्रॉप डाउन है ना, तो मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन दे दिया हैंडल कंट्री डीडी, और यहां पर जाके मैं इसके एक क्लास बना लूंगा, और इससे पहले मैंने यहां पर किया हैंडल कंट्री डीडी, और हमेशा हमेशा इसको जो है फैट एरो ही बनाना है, तो इसको मैंने दिया, और यहां पर मैं अभी सिर्फ अलर्ट कर लेता हूं ओके। सो ये मैंने ओके किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। सो आप देखिएगा जैसे ही मैं माउस ओवर किया ये बटन आ गया, तो बस यही हमारा एक पॉइंट था कि हमें हाँ माउस ओवर पे हमें वो करना था, तो जैसे ही माउस ओवर करूंगा तो मुझे उस मॉडल को जो है वो ट्रिगर करवाना है, अब प्रोग्रामेटिकली उस पर्टिकुलर मॉडल को एग्जीक्यूट करना है। सो उस मॉडल को जो है वो ट्रिगर करने के लिए, उस मॉडल को ट्रिगर करने के लिए दो मॉडल थे हमारे पास, ये मैंने मिनिमाइज किया। दूसरे मॉडल की आईडी है एग्जाम्पल मॉडल टू, ये जो हमारा कंट्री ड्रॉप डाउन वाला जो मॉडल है ये एक्चुअल में उसकी आईडी क्या है, एग्जाम्पल मॉडल टू। तो हमें इस कोड के अंदर इतना ही लिखना है, इस कोड के अंदर शो शो दी एग्जाम्पल मॉडल टू, शो दी एग्जाम्पल मॉडल टू डायलॉग। तो ऐसा हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस मॉडल को टारगेट करते हुए इसको हमें शो करवाना है। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम शो कर सकते हैं, यहां पर हम गए और माय मॉडल और ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको गेट किया और शो करवा दिया है ना। सो ये कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट किया, तो है ना, अब देखिए इसको आईडी क्या दे रखी है, एग्जांपल मॉडल टू, इस आईडी को कॉपी किया और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो इसमें ये गेट करेगा, ये माय मॉडल में इसने किया और माय मॉडल डॉट शो में ये इसको शो कर देगा, तो देखते हैं क्या होता है। इस अलर्ट को मैं बंद किया और करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, सेव किया, ये माय मॉडल इज नॉट रेफरेंस, तो यहां पर मैं देख लेते हैं कि क्या रेफरेंस की बात कर रहा है ये। सो बूटस्ट्रैप मॉडल जो है ठीक है ना, सो ये रेफरेंस नहीं मिल रहा था इसलिए मैं ऊपर यहां पर ले लिया है, और एग्जांपल टू जो है यहां पर मैंने पेस्ट किया और माय मॉडल टॉगल, सो ये एक देखते हैं क्या हो रहा है, बूटस्ट्रैप इज नॉट डिफाइंड, बूटस्ट्रैप इज नॉट डिफाइंड, सो बूटस्ट्रैप इज नॉट डिफाइंड को छोड़ा हमने और लिखा हमने माय मॉडल डॉट शो। टारगेट करने वाला कोड जो है वो हमारा ये है डी वाला ब्लॉक का,
ये कोड मैं वापस से पेस्ट करता हूँ, सेव किया, आउटपुट देखा, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मॉडल आ रहा है, ठीक है, क्लिक करते ही मॉडल आ रहा है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको इसको कंप्लीट करके बताऊंगा, बाकी हेडर सेक्शंस को भी हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को क्लोज करने से पहले इसको गिट पर पुश कर देते हैं। अभी तक मैं देखता हूँ कि अभी तक मैंने कितने कमिट किए हैं, तो गिट लॉग आप कमांड से आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए वीडियो 9, 10, 11, 12, 13, तो मुझे पता है कि आज मुझे एक्चुअल में वीडियो 14 का कमिट करना है। सो ये मैं गया और गिट एड डॉट स्टेज किया, गिट कॉमिट डैश एम, और यहाँ पर मैंने कॉमेंट में लिखा वीडियो 14, ठीक है। और आज वीडियो 14 में मैंने काम क्या किया है, वो है हमारा हेडर टॉप कंट्री ड्रॉप डाउन, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस ये मैंने किया और लिखा गेट पुश विजन मास्टर। थैंक यू।